आज हम खट्टी मीठी सौंठ बनाएंगे जो चाट आइटम्स में यूज होती है। इसके बिना कोई भी चाट का आइटम अच्छा नहीं लगता। हमने एक गिलास पानी में एक जो गुड़ की डेली आती है वो पूरी डाल दी है और उसको हम गला रहे हैं गर्म करके। इसमें हमने 1.5-2 चम्मच के करीब खटाई ले ली है और थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे पानी में। ये खटाई जो है वो अमचूर भी कहलाती है। आप इसकी जगह इमली भी ले सकते हैं। इमली को गर्म पानी में घोलना पड़ता है, उसका पल्प निकालना पड़ता है। बट हम खटाई की चटनी बना रहे हैं तो हमने खटाई ली है। इसमें देखिए हमने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है और थोड़ा सा डालेंगे काला नमक, थोड़ा सा डालेंगे सादा नमक। इसको अच्छी तरह से मैं घोल लेंगे। हमने अरारोट इसलिए डाला है जो कॉर्नफ्लोर है कि हमारी सौंठ जल्दी से गाढ़ी हो जाएगी और बहुत अच्छी ये सौंठ बन के तैयार हो जाएगी। इसको आप इस गर्म उबलते जो गुड़ का पानी है उसी में डाल दीजिए। इसमें खरबूजे की मिंगी और तरबूजे की मिंगी भी डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट डबल हो जाता है। और छुहारा यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। छुहारे को पहले गर्म पानी में भिगो लें, फिर इसकी गुठलियाँ निकाल दें। इसी तरह से डेट्स को हम गुठलियाँ निकाल कर ही यूज़ करेंगे, लंबे लंबे कट कर लेंगे। दोनों चीज़ ही लंबा कट करके डाला जाता है। इसका स्वाद जुगाजप का होता है। आप साल भर भी रख के इसको खाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। इसके लिए हम पाउडर बना रहे हैं। हमने लिया है सौंफ 1 बड़ा चम्मच और आधा चम्मच लिया है जीरा। थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे और इसको अच्छा भून लेंगे। भून जाएंगे तो हम इसमें काला नमक डाल लेंगे और इसको पीस लेंगे। काली मिर्च हमारे पास साबुत नहीं है तो हमने 1 चम्मच भर के पीसी हुई काली मिर्च डाल दी है। उसी का ये मसाला पीस कर मिक्सी में इसमें हमने 1 चम्मच भर के डाल दिया। स्वाद के अनुसार ये मसाला डालें, ज़बरदस्त मसाला बनेगा। इसको आप और भी जगह यूज कर सकते हैं, जैसे सलाद वगैरह खाते हैं या रायते में भी इसका यूज कर सकते हैं। सौंठ में तो ये मसाला गजब का लगता है। सौंठ भुनने के बाद इतनी अच्छी महक देती है, आपको क्या बताऊँ। चाट का मज़ा दुगना हो जाएगा और आप खाएंगे तो चौगुना हो जाएगा। लीजिए, सौंठ तैयार है। अब आप कहीं पर भी यूज कीजिए। ठेले वाले की चाट में सौंठ गजब की होती है, तभी तो चाट का मज़ा आता है। देखिए बन गई है सौंठ। अब आप पकौड़े के साथ खाइए, भजी के साथ खाइए, दही बड़ा के साथ खाइए, समोसे के साथ खाइए या कचौड़ी के साथ। पानी पूरी का मज़ा तो दुगना ही हो जाएगा जब हम सौंठ वाली पानी पूरी खाएंगे। ये सब सौंठ आप चीनी से भी बना सकते हैं, गुड़ से भी बना सकते हैं, या आधा गुड़ आधा चीनी के साथ बना सकते हैं। बूरा खाड़ कुछ भी यूज कर सकते हैं। आप देखिए ये सौंठ वो ज़बरदस्त बनी है। आप अपने यहाँ ज़रूर बनाइए और खाइए, फिर बताइए कैसी बनी सौंठ। दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ढेर सारे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।